प्रसिद्ध यूट्यूबर सौरभ जोशी के बयान पर हो रहा है बवाल और साथ ही साथ जलाया जा रहा है पुतला। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। उत्तराखंड निवासी और पूरे इंडिया के काफी प्रसिद्ध यूट्यूबर आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, सौरभ जोशी। और इसी सौरभ जोशी जो कि अपने व्लॉगिंग के जरिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं और इसी व्लॉगिंग के एक वीडियो से उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बवाल मच गया है। आपको बता दें, उन्होंने एक वीडियो पर अपने आप को उत्तराखंड का जो है बताया और कहा कि मैं उत्तराखंड से हूँ, इसके लिए उत्तराखंड का नाम काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। आपको बता दें, ये सब बयान के बाद जो है वो अभी फ़िलहाल हल्द्वानी में रहते हैं और इसी हल्द्वानी निवासी के बयान के बाद आपको बता दें काफ़ी ज़्यादा बवाल मच गया है। आपको बता दें, इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया से लेकर आम जनता उनके खिलाफ काफ़ी विरोध आक्रोश में है और जबकि हल्द्वानी में रहने वाले स्थानीय और राज्य आंदोलनकारियों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। उनका मानना है कि उत्तराखंड देवताओं की भूमि है, उत्तराखंड से भी बड़े हैं और अफसर बहादुर और फौजी भी जो है उत्तराखंड से निकलते हैं। और इस बयान के बाद उन्होंने कहा कि उत्तराखंडीय उत्तराखंड को किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आपको बता दें, इस बयान के बाद राजीव नयन भगदोनी ने कहा है कि चंद्र सिन्हा गढ़वाली, गोविंद वल्लम पंत और सुंदरलाल बहुगुना ने भी काफ़ी ज़्यादा योगदान उत्तराखंड के लिए दिया है और उत्तराखंड इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। लेकिन एक यूट्यूबर ने इतने खुले तौर पर किस तरीके से उत्तराखंड को जो है मेरे वजह से पहचान मिली ऐसा कह दिया है, तो इसको लेकर पुतला भी जलाया गया है और पुतला जलाने के बाद अब लगातार विरोध भी जो है उत्तराखंड में लोग कर रहे हैं। अब ये देखना, इस वीडियो के जो है तमाम विरोध के बाद किस तरीके से सौरभ जोशी माफी मांगते। बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। ट्रेंडिंग में रोज हल्द्वानी रह रहा है, उत्तराखंड रह रहा है, हमारा इंडिया रह रहा है। तो ये काफी मतलब प्राउड की बात है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी और उत्तराखंड के लिए भी, पूरे इंडिया के लिए। तो हाँ, अरे शर्म करो। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।